मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। हौज वाला है, नल से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करना है, ठीक है, कि पहला बड़ा नल कितने समय में भरता है और छोटा नल कितने समय में भरता है। तो मान लीजिए कि माना इसके हल में देखिए, आप लिखेंगे कि माना, देखो यहां कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। इसका मतलब कि अगर माना बड़े व्यास वाला नल ठीक है, बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर यक्स है, कितने घंटे, यक्स घंटे, तब जो छोटा व्यास होगा, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय आपका हो जाएगा, क्योंकि छोटा व्यास वाला जो नल है वो 10 घंटे ज्यादा लेगा समय, तो हो जाएगा यक्स प्लस 10 घंटे, ठीक है ना। अब हम एक ध्यान समझिए कि जो समय होता है वो कार्य का उल्टा होता है, कार्य और समय एक दूसरे के होते हैं उल्टे, ठीक है। यदि बड़े व्यास ने एक्स घंटे काम किया, तो उसके द्वारा किए गए काम कितने होंगे, तो 1/x काम होंगे, ठीक है ना। अगर छोटे व्यास ने, जो छोटे व्यास वाला नल है, अगर वो एक्स प्लस 10 घंटे कार्य करता है, तो एक्स प्लस 10 घंटे कार्य करने पर उसका जो किया गया काम होगा, किया गया कार्य होगा, वो 1/x + 10 होगा, ठीक है। तो यहां से पहले इन दोनों का कार्य निकाल लीजिए, तो आप लिखिएगा बड़े, अब देखो दोनों मिलकर के कितने घंटे काम करते हैं, दोनों मिलकर के 9 सही 3/8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो कुल समय है, ठीक है, कुल समय वो आपके पास है 9 सही 3/8 घंटे। इसका मतलब हुआ कि जो यहां से कुल समय आपका है वो 9/72 और 3 कितना हो जाएगा, 75/8 घंटे, ठीक है। ये आपका होगा कुल समय, ये दोनों मिलकर के इतने घंटे कार्य करते हैं, 75/8 घंटे। अब देखिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा जो किया गया कार्य है वो आप नोट करिए, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा किया गया कार्य, देखो जो नल है एक घंटे में जो बड़े व्यास वाला नल होगा वो कितना कार्य करेगा, तो 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा किया गया कार्य होगा, एक्स घंटे कार्य कर रहा था, तो 1 घंटे में 1/x काम करेगा, ठीक है ना, 1/x कार्य करेगा 1 घंटे में, ठीक है। ऐसे छोटे व्यास वाले नल द्वारा किया गया कार्य 1/x + 10 कार्य, ठीक है ना। हमने बोला समय का उल्टा क्या होता है, काम होता है, कार्य होता है, ठीक है, समय कार्य का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों ने प्रश्नानुसार, आप लिखिएगा प्रश्नानुसार 1 घंटे में इसने कार्य कितना किया, 1/x, और छोटे व्यास वाले नल ने कितना काम किया 1 घंटे में, 1/x + 10। लेकिन जो टोटल कार्य कर रहा है, टोटल कितने घंटे कर रहा है, 75/8 घंटे, लेकिन काम कितना होगा, तो हमने बोला इसका क्या कर दो उल्टा, 75/8 कहां जाएगा, बटे में, जैसे ये सब बटे में आ गए थे, ठीक है, हर में आ गए थे। ऐसे इन दोनों का लासा कितना होगा, इन दोनों का लासा होगा x, x प्लस 10,
ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा, एक्स और एक्स प्लस दस यहां आएगा, एक्स प्लस दस और इसकी गुणा यहां कर दो तो एक्स आएगा बराबर में, आठ ऊपर पहुंचेगा और पिछहत्तर कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है ना, पिछहत्तर कहां आएगा, नीचे। अब इनकी देखिए एक्स और एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, टू एक्स और प्लस में कितना आएगा, दस बटे में एक्स गुणा एक्स करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा दस से करिए तो कितना हो जाएगा, दस एक्स बराबर में आएगा आठ बटे पिछहत्तर, कितना आएगा आठ बटे पिछहत्तर, ठीक है ना। अब देखो यहां से आप चाहो तो दो से भाग कर दीजिएगा, यहां दो कॉमन है पूरे में, पूरे में दो कॉमन तो ऊपर बचेगा एक्स प्लस पांच, दो एकम दो और दो बचे दस, ठीक है, बटे में हमारे पास वही रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में दस एक्स बराबर में आठ बटे पिछहत्तर, दो से काट दो, दो एकम दो, दो चौ आठ, ठीक है। अब इस पांच की गुणा यहां कर दो तो आपके पास जो आएगा, ये प्रश्न देखो यहां लिख दे रहे, नोट कर दे रहे, आपके पास यहां आएगा पांच से गुणा करिए, सॉरी पिछहत्तर है यहां पे लिखा हुआ, पिछहत्तर से गुणा करिए एक्स की तो हो जाएगा पिछहत्तर एक्स, प्लस में पिछहत्तर गुणा करिए पांच से तो पचम पच्चीस के पांच हासिल दो, सॉरी पचम पच्चीस के पांच हासिल दो और पांच सते पैंतीस और दो कितना होगा, सैतीस आएगा तीन सौ पिछहत्तर, पांच और पिछहत्तर गुणा ही तीन सौ पिछहत्तर। अब इन दोनों गुणा कर दीजिए तो इधर आएगा चार एक्स स्क्वायर और प्लस में चार दशमलव चालीस एक्स, ठीक है। अब ये सारे के सारे आगे भेज दीजिएगा, इधर बचेगा जीरो, तो यहाँ है चार एक्स स्क्वायर प्लस में चालीस एक्स और माइनस में हो जाएगा पिछहत्तर एक्स और माइनस में हो जाएगा तीन सौ पिछहत्तर और बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो, लेकिन बराबर इधर अभी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन सबको पक्षांतर करके लिख दो, इधर जीरो उधर भेज दो तो चार एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पचहत्तर में से चालीस घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का पैंतीस एक्स और माइनस का तीन सौ पिछहत्तर और बराबर में कितना, जीरो, बराबर में कितना जाएगा, जीरो। पिछहत्तर तीन सौ पचहत्तर गुणा चार करिए, उनका अंतर करें तो पैंतीस आना चाहिए, ऐसे फैक्टर ऐसे गुणनखंड करने हैं तो ऐसे गुणनखंड देखिए, तीन सौ पचहत्तर और चार की गुणा यहाँ कर दे रहे, तीन सौ पिछहत्तर और चार की गुणा, चार पंजे बीस हासिल दो, चार सत अट्ठाईस, दो तीस के हासिल तीन, चार दिया बारह और तीन पंद्रह सौ, इसी पंद्रह सौ के फैक्टर करके देख लीजिएगा और ऐसे जुड़े बनाइए जिनका माइनस करे तो पैंतीस आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसको करो, दो से करो, दो सत्ते चौदह एक, दो पंच दस, ठीक है ना, दो तीन छह, दो सत्ते चौदह, दो तीन छह, दो सत्ते चौदह और आगे दो पंजे दस, ठीक है ना, कितना आएगा तीन सौ पिछहत्तर। अब आगे देखिए कितना आएगा, इसको काटो तीन से, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन पंजे पंद्रह, फिर पांच से काट दो, पांच दूनी दस, पचम पच्चीस, फिर यहाँ पांच पचम पच्चीस और पांच एकम पांच। अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका अंतर पैंतीस आना चाहिए, ठीक है, इनका अंतर पैंतीस। तो देख लो बनाओ पहले कितना आएगा, पचम पच्चीस, पच्चीस पिछहत्तर, अब पांच दूनी दस दूनी बीस, ठीक है, पिछहत्तर में से बीस घटाओगे, पचहत्तर में से बीस घटाओगे तो पचपन आएगा, कितना आएगा, पचहत्तर में से बीस आएगा तो पचपन आएगा, सात में से पांच पांच नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो कौन सा करेंगे, अब एक ये जुड़ा इधर का छोड़ दीजिए, फिर और जुड़ा बना के देखो, दो दूनी चार, चार दिया बारह, ठीक है, बारह पंजे साठ और पचम पच्चीस, तो साठ में से पच्चीस घटाओ, देखो कितना आ रहा है, साठ में से पच्चीस घटा करके देखो, दस में से पांच गया पांच और यहां बचेगा पांच, पांच में से, पांच में से दो गया तीन, देखो पैंतीस आ रहा है, तो सुनो दो दूनी चार, तीन बारह पंजे एक में साठ और पचम पच्चीस, साठ माइनस पच्चीस कर दीजिएगा आ जाएगा, तो यहां रहेगा चार एक्स स्क्वायर माइनस का यहां लिखो साठ माइनस पच्चीस इंटू में एक्स और माइनस में तीन सौ पिछहत्तर बराबर जीरो, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए कैसे समझाया मैंने, इस तरह से आप गुणनखंड करेंगे तो गलत नहीं होगा, आराम से लगा लेंगे बड़े गुणनखंड आएंगे तो, ठीक है। अब देखो चार एक्स स्क्वायर माइनस साठ एक्स और माइनस माइनस पच्चीस, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स और माइनस में तीन सौ पिछहत्तर बराबर में कितना, जीरो। इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन है चार एक्स, कितना कॉमन है चार, तो यहां बचेगा केवल एक्स और माइनस यहाँ चार से भाग करो तो पंद्रह और यहाँ पे प्लस, यहाँ इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा पच्चीस, कितना कॉमन हो जाएगा पच्चीस, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस, यहाँ देखिए पच्चीस एकम पच्चीस बचेगा बारह, एक सौ पच्चीस हुआ तो पच्चीस पंच एक सौ पच्चीस आएगा पंद्रह, ठीक है। अब देखो ये एक्स माइनस पंद्रह और एक्स माइनस पंद्रह ये दोनों एक जैसे हैं, तो जाएगा एक्स माइनस पंद्रह
और दूसरी में हो जाएगा 4x+25, ठीक है, बराबर में 0। तो जो फर्स्ट खंड है वो x माइनस 15 बराबर कितना आएगा 0, तो x बराबर 15। यही x बराबर 15, देखिए x का मान कितना, बड़े नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय x घंटे, x का मान कितना गया 15, तो इसका मतलब बड़ा वाला जो नल है वो 15 घंटे में भरेगा और जो छोटा वाला नल है वो 15 और 10 कितना 25, तो 15 10 25 घंटे में भरेगा, ठीक है। बड़ा वाला नल है वो 15 घंटे में और छोटा वाला नल 25 घंटे में हाउस को भरेगा। और जो हमारे पास सेकंड खंड है, सेकंड खंड उसमें दिया हुआ 4x+25 = 0, ठीक है, यहां से आप x का मान निकालेंगे तो 25 किसका हो जाएगा माइनस का और 4 कहां आएगा बटे में, और ये मान कैसा हो जाएगा अमान्य, ये मान्य नहीं होगा, इसलिए इसको कहीं कुछ नहीं रखना है, ठीक है ना। तो इसका आप निकालेंगे, x का मान यहां रखना एक बार उठा करके, तो इसका मतलब ये बड़े नल व्यास वाले नल द्वारा समय हो जाएगा और छोटे व्यास वाले नल का समय है तो x का मान रखो यहाँ 15 और 10 कितना होगा 25, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और फिर आगे बताए। कर लीजिए इसको जल्दी से फटाफट। एक प्रश्न और है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 6x+3y = 6xy। देखो प्रश्न आपको दिया हुआ है बहुत ज्यादा जुकाम है, देखिए आपको दिया हुआ है 6x+3y = 6xy, 6x+3y = 6xy, ठीक है, ये आपको समीकरण एक दे रखी है। इसके बाद उसने समीकरण दो क्या दी है, समीकरण दो है 2x+4y, 2x+4y बराबर में आपको दे रखा है 5xy, क्या दिया है 5xy, समीकरण कितनी है 2। इसको हल करना है, तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो दो तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। एक तो आपके पास तरीका है कि इस xy से आप इसको कर दीजिए भाग, xy से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, xy से भाग करने पर ये बटे में आ जाएगा, उसको आप मान लेंगे a और b और उससे आप मान करके हल कर दीजिएगा। अगर इसको छोटा करना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप इसको सीधे भी हल कर सकते हैं, ये सीधे हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे आप, समीकरण जो दो है, समीकरण दो आप देखिए, यहाँ पे हमें दो एक्स में, यहाँ हमारे पास एक्स में कितने से गुणा 2 और यहाँ एक्स में 6 है, तो इसको बराबर करना है, यहाँ पे 6 करना है, तो कितने से गुणा करना है, यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिएगा, समीकरण दो में गुणा कितने से 3 से, ठीक है, समीकरण दो में गुणा कितने से 3 से, 3×6x+3y = 12y, 3×5=15xy, समीकरण दो और गुणा कितने से किया था आपने 3 से, गुणा कितने से किया 3 से किया था। इसके बाद देखिए इसके नीचे ये वाली समीकरण इसके नीचे नोट करिए, तो यहां आएगा 6x और प्लस में कितना 3y बराबर में है 6xy, समीकरण कितनी 1। और यहां आप लिखेंगे, देखो सेम चिन्ह है दोनों, तो आप लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, देखो प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे भी माइनस, 6x से 6x कट गया, यहाँ देखिए 12 में से 3 चला जाएगा कितना आएगा 9y बराबर 15 में से 6 जाएगा तो आएगा 9xy, y से y कट गया, ठीक है, 9 से 9 कट गया, इधर क्या बचा a और इधर बचा x, इसका मतलब हुआ या x बराबर 1, यही मान उठा करके समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में यही मान, ये वाला जो मान है x का ये कहां रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में ये वाली, ठीक है ना, यहां समीकरण 1 में रखिए, तो यहां देखिए क्या आएगा 6×1 और प्लस में कितना 3y बराबर में 6×1 और गुणा में कितना y,
ठीक है, तो 6 का कितना होगा 6 प्लस में 3y और बराबर में 6 से गुणा करो तो 6y हो जाएगा। 3y को आगे भेज दीजिए तो 6 बराबर हो जाएगा 6y माइनस का 3y, ठीक है ना। तो यहां से 6 बराबर आएगा 6 में से 3 गया 3y, तो यहां से आप लिख सकते हो कि y बराबर 6/3 और इससे भाग करोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आप उठा लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपके बीजगणित के लगभग सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने सारे प्रश्न करा दिए हैं। अब आपके पास बीजगणित से कोई संबंधित कोई प्रश्न नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब आपका त्रिभुज स्टार्ट होगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिभुज आपको देंगे, ठीक है। ये आपको अभी प्रश्न जो कराए हैं तो ये आप प्रश्न कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अभी आपको हम त्रिभुज की देंगे, एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको पूरा त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे नंबर लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।